दोस्तों ये पीसीएस पेपर है, ये पीसीएस का पेपर नंबर, ये जो पेपर कोड है ए है, और ये सीरीज 2018 सीरीज ए का है, और जो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे, ज़्यादातर आंसर आपको मिल जाएंगे, कुछ में डाउट होगा मैं बता दूंगा कहाँ पे डाउट है। देखिए, इससे पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीसरा होगा, ठीक है। दूसरा है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर होगा पहला, 11 जुलाई को। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ये करता है योजना आयोग। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में प्रथम पायदान पर है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है आयकर से, प्रत्यक्ष कर आयकर होता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पे, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है? 55% करता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? इसका आंसर होगा फ्लाई ऐश। थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कुछ कौन सा आंसर होगा तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित परिस्थिति की के तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है? इसका आंसर होगा कोरल रीफ। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? इसका आंसर मोती होना चाहिए, 99% मुझे डाउट है, 1% गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? देखिए, जो नॉर्मल खुशपुसाहट होती है 30 डेसिबल होती है, जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा कम होगा, ये 20 डेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 आयोजित हुआ पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई, ये थी 2018 में, 30 जून को 2018, सॉरी 2008, 30 जून 2018 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले पेज पे, ये सेट ए है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारे सेट BCD आगे पीछे ही होते हैं, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन के साथ। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा सागरी महासागर। दूसरा क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इसका उत्तर होगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? इसका एक्चुअल में मुझे डाउटफुल आंसर है, इसका आइसोब्रुफेन हो सकता है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? इसका आंसर होगा चीन। अगले पेज में आते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? देखिए, इसमें से जो कथन होगा इसका आंसर तीसरा है, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, सोल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले आंसर देखिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम? इसका उत्तर होगा प्रकाश। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में, मेटल में, या स्टील में, स्टील इज अ फॉर्म ऑफ मेटल। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? इसका उत्तर होगा ये डी वाला, पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था? स्टीफन हॉकिंस का, जिनकी हाल ही में भी डेथ हुई है। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? इसका आंसर होगा संतरा, 1% चांस है आंवला का, लेकिन आंसर का संतरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ये तो उत्तर आराम से बता दे, कोई भी मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उसका उत्तर है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ये सौर ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है। 31st क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? देखिए, तीन भाग में विभाजित किए गए हैं, समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी। ये आप एम लक्ष्मीकांत में बड़े आराम से देख सकते हैं। इसका उत्तर है डी। 32 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? इसका उत्तर होगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर होगा थर्ड पीएन भगवती। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? इसकी ये है 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? इसका होगा विधान परिषद। अपने भारत में कुछ ही राज्यों में विधान परिषद, कौन कौन राज्यों में, अगर उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 1985 में स्थापित किया गया। लोकसभा में केंद्र शासित देशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इसका उत्तर होगा 20, बी 20। अगले पेज में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में कितने फीफा विश्व कप के कुल टीमें ने भाग लिया? उसका उत्तर है 32, 32 टीम ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित देश में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की? ये उत्तर होगा नेपाल। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं जुड़ेगा? इसका उत्तर है बस्ती। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नेंस सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा 96वां स्थान। निम्नलिखित राज्य में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी से प्रकोप में कारण में चर्चा में रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत उस टाइम इंपॉर्टेंट था, केरल राज्य है इसका उत्तर। निम्न भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाशित जावड़ेकर द्वारा निम्न किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार विश्व में प्रथम भारत का कौन सा स्थान था? विश्व में भारत का कौन सा स्थान था? इसका उत्तर होगा पहला 136। हम लोग बहुत जल्दी चल रहे, कोई बात नहीं, आपको आंसर देखना है, आंसर देख लीजिए जल्दी जल्दी, वीडियो बड़ा नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? इसका उत्तर है वाराणसी, जहाँ से मोदी जी प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 जुलाई 2018 को धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP 2018-19 के दौरान कितना था? 1750। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता प्रधानमंत्री बना? इमरान खान, सबको पता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार जीता? ये दोनों ही लोगों ने जीता था, भारत बटवानी और सोनम वांगचुक, दोनों को ही मिला था ये। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किसमें आयोजित किया गया? इसका है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? इसका उत्तर होगा वाज सेमी। 99% सही है, 1% हो सकता है डाउट है मुझे। अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 10। नीचे दिए गए कथनों में से एक ए और दूसरे आर, मतलब कि कथन और कारण दिए हुए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला कथन, कारण आप देख लीजिएगा, उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। पहला, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित मंदिरों को कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट में सही मिलान कीजिए। इसका कूट होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा चौथा।
क्वेश्चन नंबर 54, हाथी गुम्फा का विलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? इसका उत्तर होगा खारवेल, 54वें का ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में दिए गए कथन दिए गए कथन ए को दूसरे कारण आर से मैच कराना है, तो इसका उत्तर होगा ये वाला जो दिया गया, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, और कारण ये जो है इसका उत्तर होगा बी, कथन ए तथा कारण दोनों ही सही परंतु कारण आर कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या, निम्नलिखित में से किस स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये होगा बागोर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेल नहीं है? यह है अदीना मस्जिद मांडू। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक और क्वेश्चन आ गया, इसका उत्तर होगा, इसका थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, इसका उत्तर ए हो सकता है लेकिन मुझे डाउटफुल है, 50-50 कह सकते हैं, 99 भी नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर भरिए। हंटर आयोग, सेंडलर आयोग, वुड्स घोषणा पत्र और सार्जन योजना। देखिए हंटर आयोग 1882-83 के आसपास आया था, सेडलर आयोग आया था 1917-19 के आसपास, वुड घोषणा पत्र आया था 1854, तो इस हिसाब से सब बनता है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित नेताओं में किससे क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसका उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेल नहीं है? इसका है अहोम 1815, जबकि इसका सही आंसर होगा 1828। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका उत्तर होगा जोग जलप्रपात। आइए अगले पेज चलते, तो पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 63, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन संबंधित है थार्नट्वेट से। 64, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? इंग्लिश में ज़्यादा से रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड? इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन 65, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका होगा गिब्सन ब्राज़ील, जबकि यह ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उन कॉफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोलंबिया, वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। ब्राज़ील जो है वो पहले नंबर पे है और वियतनाम, तो इस हिसाब से इसका बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितना की कमी आई? 7,000 किलोमीटर कमी आई। आइए अगले पेज में चलते हैं, क्योंकि पेज नंबर है हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो यहाँ पे जो सबसे पहले था यहाँ पे वो कोलकाता था 1875 में, फिर बना शिमला 1905 में, फिर बना पुणे 1928 में, फिर बना नई दिल्ली 1944 में। हिसाब से उत्तर होना चाहिए डी। ठीक है, फिर आता क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता सही है। क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व होती है, ये भी ठीक लग रही है। तो और काली एक्चुअल में मुझे बी कन्फर्म नहीं था, लेकिन सी जो है वो कन्फर्म है, डी तो बिल्कुल नहीं होता है, तो सबसे सही नहीं है डी। मैकमोहन सीमा रेखा कहाँ मिलती है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल SSC क्वेश्चन आ गया, भारत चीन के बीच में। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे वाली आकृति डेल्टा बनाती है? इसका उत्तर मिसिसिपी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, 72 वाला क्वेश्चन में मुझे डाउट है ए और बी में, इसलिए मुझे आंसर नहीं पता, मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो बताइए। इस हिसाब से अगर ए और बी में डाउट है तो ए और बी दोनों में दिया हुआ है, इस हिसाब से तो हम
डी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए आंसर अगर आपको पता हो तो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? इसका आंसर UNDP द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? इसका है मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? यह है आय की विषमता, मतलब कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि में सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र, आर्थिक बहुत ऊपर लेकिन लिंगानुपात में नीचे है। आइए चलते हैं पेज नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा सी, स्थानीय मेलों पर कर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था, मतलब कि सस्टेनेबल ग्रोथ? इसका उत्तर होगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? उत्तर है गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार भारत में वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 2.2 है, थोड़ा सा मुझे डाउट था इसमें भी, तो 2.2 और 2.4 मुझे डाउट है, आप कंफर्म करा लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्लीज़। भारत में नगरी क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति का गठित की गई थी? इसकी थी हासिम समिति। क्वेश्चन नंबर 82, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? इसका उत्तर होगा सी, 21.54। आइए पेज नंबर 17 में चलते हैं, 29 पेज टोटल इसमें। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू गई? शुरू की गई 1972 में। निम्नलिखित में कौन मानव जाति जीवोव का एक उदाहरण है? फसली भूमि, बायोम कहते हैं इसको, जीवोव को। निम्नलिखित में कौन जानवर बिना पानी पिए लंबे अभी तक रह सकता है? इसका आंसर ऊंट है, रेगिस्तान में रहता है जहाँ पानी बहुत कम होता है। 86, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? 86 का आंसर होगा जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 87, डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? डाचिगम नेशनल पार्क, इसका उत्तर होगा कस्तूरी मृग, मस्क डियर। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मई 22 में। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? देखिए, मृदा से संबंधित बायोटिक तो नहीं है, क्लाइमेटिक भी नहीं है, और टोपोग्राफी तो बिल्कुल ही नहीं, टोपोग्राफी तो मैप से होता है, तो इसका उत्तर होगा इडेफिक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 91, आते अगले पेज में, पेज नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर है 91, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? इसका उत्तर चौथा होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है, तूफान, चक्रवात, बाउंडर बढ़ रहा है, लेकिन आप फिर भी डाउट में रखिएगा मुझे इसको। 99% तो सही लग रहा है, 1% डाउट है, हो सकता है 1% गलत भी हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन स्वसवासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? इसका होगा पवित्र भुवन, बाकी सब हैं। क्वेश्चन नंबर 93, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? इसका पैदा करती है ओजोन, जो कि नुकसानदायक है, ओजोन पैदा करती है बस। नर्मदा बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर होगा शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ओजोन परत जो है वो ट्रोपोस्फीयर में नहीं, अभी आपने क्वेश्चन नंबर पीछे पढ़ा था 90, जिसमें कि स्ट्रेटोस्फीयर आंसर था। आते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित गलत है, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 97,
निम्नलिखित में किसे जेवी नर्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता? विज्ञान, ठीक है, इसका उत्तर होगा ज्योतिष। निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्सन रोंटजेन ने किया था? इसका एक्सरे मशीन का किया था। नाइनटी नाइन नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की द्वि कुंडली संरचना किसके द्वारा बनाई गई, मतलब कि डुअल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाय होम? ये थे वॉटसन एंड क्रिक। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है एक्सरे, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 101, 100 क्वेश्चन हो गए, 50 और बचे हुए, जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, मीथेन निम्न में से किस किस से निकलती है, उत्सर्जित होती है? तो उसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, मतलब कि धान के खेतों से भी निकलती है और दीमक की बाम्बी से भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 102 कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिलिकॉन की सिलिकॉन चिप होती है कंप्यूटर में। आते हैं पेज नंबर दूसरे 20th में और क्वेश्चन नंबर 103, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी में उल्लेख? देखिए पहली बात तो आप इसका पढ़िएगा, हम भारत लोग भारत के संपूर्ण संपूर्ण समाजवादी जो करके है पूरा प्रस्तावना पढ़िए, इसमें आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर होगा पहला, तीन प्रकार की जस्टिस, पांच प्रकार की लिबर्टी, दो प्रकार की इक्वलिटी और एक प्रकार की फ्रेटरनिटी। मतलब कि तीन प्रकार का न्याय, पांच प्रकार की स्वतंत्रता, दो प्रकार की समानता और एक प्रकार का भ्रातृत्व मिलता है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? सुश्री मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर 105, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अब कौन है? राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? आंध्र प्रदेश बना था, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, इसी से टूट करके केरला बना, माफ कीजिए केरला नहीं, वो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में कौन सा संविधानेतर संस्था है, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी? देखिए संघ लोक सेवा आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इतना आसान क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन था, बिल्कुल नीति आयोग हो जाएगा इसका आंसर। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। आइए पेज नंबर चलते हैं 21 में, हम लोग बहुत जल्दी चल रहे हैं, आराम आराम से आ रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी होते हुए सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 110 का उत्तर होगा तीसरा, एक नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन हेतु संसुष्टि करना। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग दो। आसान क्वेश्चन था इसका, अच्छा क्वेश्चन है, सच में अच्छा क्वेश्चन है, परेशान करने वाला। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद का संशोधन कर सकती है? उत्तर होगा 112 का ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? उत्तर होगा बी, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन ने। चलते हैं पेज नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 115, डींग एक्सप्रेस क्या है? डींग एक्सप्रेस जो हुमा दास थी उनका निक नेम है, मतलब कि मुंह बोला नाम। मेरे काम को हाल ही में सितंबर 2018 में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ध्यान रखिएगा BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 117, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखिए इसका बी सी तो हो ही नहीं सकता, भारतीय संविधान से कोई मतलब नहीं है। इसका उत्तर होगा सेक्शन IPC से, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370। सुपर सैनिक रिस जो है एक संयुक्त उपक्रम किसका है? भारत और रूस का। 118 का उत्तर होगा ए। 119, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? मैक्सिको के। आइए पेज नंबर 23 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120,
पनामा पेपर के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की सजा दी गई? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, नवाज शरीफ। 121 क्वेश्चन नंबर 121, जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? इसका उत्तर है असम। क्वेश्चन नंबर 122, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? उत्तर है तीसरा, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 123, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? मंगल ग्रह पर चला है, और कहां पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 124, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की? इसका उत्तर सिंगापुर में की थी इन लोगों ने मुलाकात। आइए पेज नंबर चलते हैं, पेज नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पे आपको क्या करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक में क्या है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, उनके राज्य। देखिए मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है तीसरा, ए का तीसरा होगा, धनंजय जो है थे कुस्तलपुर के थे, बी का पहला उग्रसेन अवमुक के थे, सी का चौथा नीलराज अवमुक्त के थे, सी का जो होगा चौथा होगा उग्रसेन पालक्का के थे, और डी का दूसरा होगा विष्णुगोपा कांची के थे। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए आलमगीरपुर और हुलास तो संबंधित है, ये आते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा डी, मतलब कि 126 का उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? नाना देशी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 128, पेज नंबर 25, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक ए कथन दूसरा आर कारण। अब देखिए मैं सीधे इसका आंसर बता दूंगा, कथन कारण पढ़ने का टाइम नहीं अपने पास, आप पूरा पेपर पढ़िए, आंसर देखिए, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 129, पुष्यमित्र सुंग द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पेज नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 129 का उत्तर डी। 130, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, परगना के समानार्थी था। 130 का ए। आते हैं पेज नंबर 26 में, एक सौ 131 क्वेश्चन नंबर, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? इसका 131 का उत्तर होगा बी, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सलीमा सुल्तान ने। उत्तर 133 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ लियाकत अली, बाकी सब सही है। 134, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? वारंगल रामचंद्र देव। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह जहां दार शाह आलमगीर द्वितीय अहमद शाह। देखिए इस हिसाब से जो इसका उत्तर होगा, ये उत्तर होगा बी, बी ए डी सी। आइए पेज नंबर 27 में, हम लोग अंतिम पड़ाव पे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए भारत के राज्यों में तटरेखा सबसे लंबी गुजरात की है, उसके बाद AP आता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, डाउट मुझे थोड़ा क्या पूरा ही डाउट है, इसका मुझे आंसर नहीं मिला अभी तक, ना मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 138 138 में भी थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मुझे आंसर नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 139, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? इसका है
पैल्योसिन का। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन सा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। देखिए अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मिल जाएगा आपको, तापी या ताप्ती। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास से। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और 2 पेज। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित देशों में से किस में प्रति गाय का दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक। एक्चुअल मुझे यहाँ पर भी बहुत डाउट था, आंसर ए और डी में, आंसर ए और डी में मुझे डाउट था। मेरे हिसाब से तो डी होना, सी होना चाहिए, ए और सी में नीदरलैंड और डेनमार्क में डाउट था, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अब कुछ कंफर्म नहीं, अगर आपको कंफर्म हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तर है श्रावस्ती, महिला क्या ओवरऑल सबसे कम है श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत के, मैंने 145 पढ़ दिया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं। यह है अंगूर की, और जो इलायची और काली मिर्च की जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 145 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए मिलान इसमें सही है, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर होगा सी। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु ऊपर दिया, डोडा बेटा, नंदा देवी, अन्नामुड़ाई, सावर, सारनमती। आते क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा आखिरी पेज है, और बस कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर है चिली। क्वेश्चन नंबर 148, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग का अनुपात न्यूनतम है। उत्तर है इसका सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 149, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, जो घटना पर विचार करना है उसका उत्तर देना। एक्चुअल में घटना पर विचार क्या करें, मुझे इसमें डाउट था, मुझे बायो नहीं अच्छी इतनी, मुझे इसमें डाउट है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जरूर लिखिएगा, और ना मुझे इसका आंसर पता ना मुझे इसका आंसर मिला कहीं पर भी। और आपको कोई भी दिक्कत लगी हो, कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा, उसको अमेंड किया जाएगा। और आपको अच्छा लगा उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आंसर आपको गलत लगे हो बिना किसी हिचक के आप इसको आंसर पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।